बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे कैंसर के बाद हुई थी अपने गंजेपन से परेशान, तो वहीं अपने करियर के शुरुआती दौर में हुई थी बॉडी शेमिंग का शिकार। सोनाली बेंद्रे, जिनका नाम सुनते ही सरफरोश, हम साथ साथ हैं, दिल जले, मेजर साहब जैसी कई फिल्मों के नाम जहन में आ जाते हैं। फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के अलावा सोनाली अपनी सुंदरता और मासूमियत के लिए भी जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि भोली सी सूरत, भूली सी आंखें, प्यारी सी मुस्कान से लोगों को दीवाना बनाने वाली सोनाली की लाइफ में एक ऐसा दौर भी आया जब वो अपने खुद के चेहरे को देखकर ही डर जाती थी। जी हाँ, ये सच है कि सोनाली बेंद्रे जो अपनी खूबसूरती और मासूमियत की वजह से लोगों के दिलों में बसती थी, वो अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बाद काफी डरावनी से दिखने लगी थी। और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद एक्ट्रेस ने कहा है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोनाली ने अपने मेटास्टेटिक कैंसर के बारे में बात की। आपको याद दिला दे कि सोनाली बेंद्रे उन स्टार्स में से एक है जो कैंसर जैसी गंभीर और घातक बीमारी को मात देकर वापस लौटी है। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को 2018 में स्टेज 4 कैंसर का पता चला था, जिसके बाद न्यूयॉर्क में एक्ट्रेस का इलाज चला था। हालांकि अब एक्ट्रेस कैंसर मुक्त है और पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट चुकी है। वहीं हाल ही में सोनाली ने अपने कैंसर से जूझ रहे हालातों के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे इलाज के बाद वो कैंसर की सर्जरी के निशानों व अपने गंजे सिर से डरती थी और बाहर निकलने से कतराती थी। उन्होंने कहा, मैं अपनी सर्जरी के निशानों व अपने गंजे सिर के साथ ही शूट करना चाहती थी क्योंकि मैं इसे दिखाने से डरती थी। जब मुझे डर लगता था तो मैं विक के साथ बाहर जाती थी, तब मैं ये चीज डिसाइड भी नहीं कर पाती थी कि क्या मुझे अपने गंजे सिर के साथ बाहर कदम रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आप इस वजह से डरते हैं तो इसे वहीं खत्म कर दें। आगे इंटरव्यू में सोनाली ने यह भी बताया कि उनका फूला हुआ चेहरा व गंजापन उनके लिए सबसे बदसूरत हश था और वो ऐसे बाहर जाने से डरती थी। इस बारे में उन्होंने कहा, फूला चेहरा, निशान और गंजापन, ये सब देखने में बहुत डरावना था। खासकर जब बाल आने लगते हैं तो ये बहुत बदसूरत होता है, लेकिन मैंने ऐसा किया और मुझे विश्वास था कि जिस पल आपको किसी चीज से डर लगता है और आपको लगता है कि नहीं मैं ये कैसे कर सकती हूँ, तो आपको ये जरूर करना चाहिए, आप इस डर को वहीं खत्म कर दें। इसके साथ ही अपने इस इंटरव्यू में सोनाली ने आगे भी बताया कि वो अपने करियर के शुरुआती दौर में बॉडी शेमिंग का शिकार भी हो चुकी हैं। जी हाँ, ये सुनकर आपको यकीन ना हो लेकिन ये सच है कि जब सोनाली इंडस्ट्री में नई नई आई थी तब वो बहुत पतली थी, जिसको लेकर उन्हें बॉडी शेमिंग किया जाता था और इस बात का खुलासा भी उन्होंने खुद ही किया है। सोनाली ने अपने उस समय को याद करते हुए हाल ही इंटरव्यू में बताया कि 90 के दशक में वो काफी दुबली पतली दिखती थी और इस वजह से उन्हें एक परफेक्ट हीरोइन नहीं माना जाता था। उन्हें कहा, 90 के दशक में पतला होना सुंदरता नहीं थी, यदि आप ज्यादा पतली हैं तो आप ज्यादा आकर्षक नहीं दिखती, तो उस वक्त में पतली महिला आकर्षित नहीं मानी जाती थी। गौरतलब है कि सोनाली ने अपने एक्टिंग की शुरुआत 1994 की आग मूवी से की थी। उनकी पहली बड़ी हिट दिल जले थी, इसके बाद वो कई और फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। फिलहाल इन दिनों सोनाली फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो छोटे पर्दे पर खासा एक्टिव हैं। सोनाली ने इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, हिंदुस्तान के हुनरबाज, इंडियाज गॉट टैलेंट और इंडियन आइडल जैसे कई रियलिटी शो को जज किया है। इसके अलावा उन्होंने Z5 के शो द ब्रोकन न्यूज के साथ अपना OTT डेब्यू किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।